सीमलवाड़ा में दिव्यांग जन सहायता शिविर में बरसी राहत कलेक्टर अंकित सिंह ने भी की जनसुनवाई। 72 निःशक्त जन प्रमाण पत्र जारी, 10 परिवेदनाओं का किया निस्तारण। आप देख रहे हैं डूंगरपुर खबर फास्ट न्यूज चैनल। चैनल को सब्सक्राइब करें एवं खबर को लाइक जरूर करें। डूंगरपुर जिला प्रशासन और पंचायत समिति सीमलवाड़ा की ओर से गुरुवार को सीमलवाड़ा विनोबा भावे खेल मैदान में दिव्यांग जन सहायता शिविर और कलेक्टर की जनसुनवाई कार्यक्रम आयोजित किया गया। शिविर में दिव्यांग जन के निःशक्तता प्रमाण पत्र बनाए जाने के साथ सरकार की अन्य योजनाओं से लाभान्वित किया गया। वहीं कलेक्टर अंकित सिंह ने जनसुनवाई करते हुए आमजन की समस्याओं का समाधान करते हुए राहत दी। सीमलवाड़ा विनोबा भावे खेल मैदान में आयोजित दिव्यांग जन सहायता शिविर और कलेक्टर की विशेष जनसुनवाई में बड़ी संख्या में दिव्यांग जन और आमजन पहुंचे। प्रधानकारी लाल ननोमा भी मौजूद रहे। दिव्यांग जन सहायता शिविर में जिला स्तर से पहुंचे स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स ने दिव्यांग जनों का मेडिकल चेकअप किया। वहीं पात्र दिव्यांग जन को हाथों हाथ निःशक्तता प्रमाण पत्र बनाए गए। वहीं शिविर में विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने सरकार की ओर से दिव्यांग जन के लिए चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी दी गई। वहीं पात्र दिव्यांग जन के आवेदन भी तैयार करवाए गए। इधर इस दौरान कलेक्टर ने दिव्यांग जन सहायता शिविर में तैयार 72 दिव्यांग जनों को निःशक्तता प्रमाण पत्रों का वितरण किया। वहीं इस मौके पर कलेक्टर अंकित सिंह ने विशेष जनसुनवाई भी की, जिसके ग्रामीण अपनी समस्याएं लेकर पहुंचे और कलेक्टर को अपनी वेदना बताए। इस दौरान कलेक्टर ने ग्रामीणों की समस्याओं को तसल्ली से सुना। जनसुनवाई में धोधरा निवासी एक दिव्यांग बालक युवराज पुत्र प्रवीण रोत के नेत्र समस्या से आधार कार्ड नहीं बनने की परिवेदना पर जिला कलेक्टर अंकित कुमार सिंह ने हाथों हाथ आधार कार्ड रजिस्ट्रेशन करा राहत प्रदान की। माना का देव स्कूल की जमीन का सामूहिक वनाधिकार पट्टा विद्यालय के लिए जारी करने, खरपेड़ा में खेल मैदान बनाने, पीएचसी गरियता में सफाई कर्मियों को 15 माह से वेतन नहीं मिलने, ग्राम पंचायत झलाब में ग्राम विकास अधिकारी रवि चौधरी को हटाकर अशोक जैन को लगाने के बावजूद रवि चौधरी द्वारा चार्ज नहीं देने, जिससे ग्राम क्षेत्र में नल व्यवस्था और रोड लाइट बिजली बिल जमा नहीं होने से बंद होने की शिकायत पर एसीओ अनिल पहाड़िया को त्वरित कार्रवाई कर अशोक जैन को चार्ज दिलाने के निर्देश दिए, सहित कई परिवेदनाएं आई, जिस पर कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों को समस्याओं के समाधान के निर्देश दिए। जनसुनवाई कार्यक्रम में प्रधानकारी लाल ननोमा, समाजसेवी गोविंदराम पाटीदार, एसीओ अनिल पहाड़िया, एसडीएम प्रवीण मीणा, तहसीलदार भीवाराम वर्मा, उपायुक्त जनजाति समाज विभाग डॉक्टर सत्यप्रकाश कंसवा, सीडीओ नवीन प्रकाश जैन, सीबीओ लक्ष्मण डामोर, सुरेश रोत, एवीएनएलएसई हरिराम काला, पीडब्ल्यूडीएसई धर्मेंद्र पायल, मुख्य जिला चिकित्साधिकारी डॉक्टर अलंकार गुप्ता, बीसीएमएचओ डॉक्टर नरेंद्र प्रजापत, जिला रसद अधिकारी विपिन जैन, ललित कुमार पंड्या, रतन लाल कलासुआ, संजय हलात, रेंजर नरेश कुमार ननोमा, डॉक्टर सतानंद सिंह, डॉक्टर मनीष मीणा, सीडीपीओ वर्षा खरारी, समाज कल्याण विभाग अधिकारी पिंकी मीणा, शैलेश रोत, दिलीप भागरिया, सुखदेव रोत, पृथ्वी सिंह चौहान सहित जिला एवं ब्लॉक स्तरीय विभागीय अधिकारी मौजूद रहे। वहीं शिविर में नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर भावित रोट, एएनटी विशेषज्ञ डॉक्टर विवेक मालपानी, अस्थि रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रवीण सुवेरिया, मनोचिकित्सक रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अमृत गौसाई, डॉक्टर मोहित शर्मा, डॉक्टर बजरंग सैदा, मदन ननोमा, कपिल कटारा सहित ने शिविर में सेवाएं दी। संचालन अतिरिक्त विकास अधिकारी विशाल टेलर ने किया। जन सुनवाई कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानकारी लाल ननोमा ने सरकारी अस्पतालों में मरीजों को रेफर करने की आदत से बचाने और हर संभव उपचार देने, लोक निर्माण विभाग को सड़क निर्माण की स्वीकृतियों में स्थानीय जनप्रतिनिधियों की भी राय लेने की अपील कर नाराजगी भी जाहिर की। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण डूंगरपुर के अध्यक्ष सुनील कुमार पंचोली एवं प्राधिकरण के सचिव कुलदीप सूत्रकार एवं विधिक सेवा समिति सिमलवाड़ा के अध्यक्ष सिविल न्यायाधीश विकास जैन के निर्देशानुसार दिव्यांगजन शिविर में पीएलवी गौरव पंड्या द्वारा विधिक सेवा प्राधिकरण की स्कीमों और लोक अदालत सहित कई कानूनी जानकारी प्रदान की, जिसके माध्यम से लोगों को आगामी लोक अदालत के बारे में भी जानकारी देते हुए बताया कि किसी भी प्रकरण हेतु आप अपने राजीनामा योग्य प्रकरण इस 28 सितंबर को लोक अदालत में रखवाकर शीघ्र और सुगम न्याय प्राप्त करें। देखिए, राज्य सरकार के निर्देश अनुसार जो जनसुनवाई का कार्यक्रम रहता है उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हमने पंचायत समिति सिमलवाड़ा के अंदर एक शिविर का आयोजन किया, जिसमें जनसुनवाई भी की गई और साथ ही साथ जो दिव्यांगजन हैं उनके लिए सहायता शिविर भी लगाया, जिसमें हमने जिला लेवल के जो डॉक्टर हैं, जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स हैं, उनको भी यहाँ पर बैठाया है।
ताकि कोई दिव्यांगजन है जिसके दिव्यांगता की जो जांच होनी है वो कैंप लेवल पर ही हो जाए और उनको डिस्ट्रिक्ट लेवल तक ना जाना पड़े। साथ ही साथ जो जनसुनवाई में प्रकरण हमें प्राप्त हुए हैं उस पर भी हमने सभी को अच्छे से सुना और जो कार्रवाई बनती है नियमानुसार उसको भी हमने आगे बढ़ाया। और समस्त ग्रामवासी सभी साथी जो यहाँ मौजूद है और मीडिया के साथी सभी को नमस्कार। देखिये ये राज्य सरकार के निर्देश ही हैं जिसके अनुसार हम लोग को गुरुवार को जनसुनवाई भी करनी होती है और इसी के बहाने हम लोग आपके बीच आ पाते हैं और आप लोग से संपर्क भी होता है, वार्ता भी होती है। हम लोग कोशिश करते हैं कि जो ग्रामीण जो हमारे लोग हैं उनके साथ अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसको भी समझ सकें और सरकार की जो स्कीम्स हैं उसको हम लोग आगे तक पहुँचा सकें, धरातल तक पहुँचा सकें और यदि कोई इशू आ रहा है उसके अंदर तो उसको भी समझ सकें। आज यहाँ पर जिले से पधारे हैं सभी अधिकारीगण पधारे हैं और सभी विभागों के अधिकारीगण आए हैं, उनकी जो स्कीम्स हैं उनके बारे में भी आपको बताया है और उसमें पात्रता कौन रखता है इसके बारे में भी बताया है। बट अगर फिर भी किसी को कोई डाउट रह गया हो या किसी को कोई क्वेरी हो किसी स्कीम को लेकर, कोई मंशा हो कि भाई मुझे इस स्कीम के अंदर लाभ लेना है, मैं कैसे उसमें लाभ ले सकता हूँ, तो कृपया करके आप संबंधित अधिकारीगण से आप पूछें, आप समझें ताकि जो सरकार की भी मंशा है कि स्कीम का फायदा धरातल तक पहुंचना चाहिए वो वास्तव में पहुंचे। साथ ही साथ आज हम लोगों ने यहाँ पर एक दिव्यांगजन के लिए भी शिविर लगाया है, उसमें हमारा प्रयास यही है कि जो आम दिक्कत आती है दिव्यांगजन को कि उनका जो सर्टिफिकेट होता है वो बनने में दिक्कत आती है, उसको हम लोग डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ना बुलाएं क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जो विशेषज्ञ के डॉक्टर हैं वो जिला लेवल पर ही बैठते हैं, वो पंचायत समिति लेवल पर या SDM लेवल पर नहीं बैठ पाते, इसीलिए हमने डिस्ट्रिक्ट लेवल से टीम बनाकर आज यहाँ पर आपके समक्ष बैठाया है ताकि जो दिव्यांगजन है वो उनको नियरेस्ट हम लोग जो हेल्प प्रोवाइड कर सकते हैं, मदद प्रोवाइड कर सकते हैं वो उनको वहीं पर मिले, आज उनका मौके पर ही निस्तारण हो। अगर उनको 40% से ऊपर की दिव्यांगता आती है तो सर्टिफिकेट भी मौके पर बन जाए और साथ ही साथ जो दिव्यांगजन पेंशन मिलती है उसमें भी एनरोल हो जाए और भारत सरकार का जो UDID का पोर्टल होता है, यूनिक डिसेबिलिटी ID, वो UDID के पोर्टल पर उनका UDID जो नंबर है वो भी उनको मिल जाए। इसके लिए भी हमने आज डेडिकेटेड IT की टीम यहाँ पर बैठाई है और आपकी मदद के लिए ही समाज कल्याण के अधिकारी भी यहाँ पर मौजूद हैं जो आपको गाइड कर सकें और जो विभाग की स्कीम्स हैं दिव्यांगजन के लिए उससे भी आपको अवगत करा सकें, यही प्रयास है। और जो सरकार की संवेदनशीलता है जो जनसुनवाई में होनी चाहिए वही हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि हम लोग प्रति ब्लॉक इसको लेकर जाएं और जो हम लोग रात्रि चौपाल भी करते हैं उसमें भी हमारा यही प्रयास होता है कि हमारे समस्त अधिकारीगण आपके बीच उपस्थित हो सके और मौके पर ज़्यादा से ज़्यादा जो प्रकरण आते हैं उनका निस्तारण कर सकें। मुझे खुशी